में तुम लोग मेला देख के तो बड़ी जल्दी चले आए। अरे दीदी क्या बताऊं, मैं तो वहाँ और देर रुकना चाह रहा था मगर इसके पेट में दर्द होने लग गया। आयुष के पेट में दर्द हो गया? जी दीदी। ऐसा करो तुम, पहले तो अभी मेरे पास ये पाचक गोली है, तुम ये गोली खा लो और देखना अभी तुम्हें 2 मिनट में इससे आराम हो जाएगा। और अंशुमान अब तुम बताओ कि तुम लोगों ने वहाँ कुछ खाया पिया तो नहीं था? दीदी मैंने कुछ नहीं खाया था, दीदी इसने चाट पकोड़े बताशे और शरबत ये सब पिया था। तो अब समझ में आ रहा कि इनके पेट में दर्द क्यों हो गया। दीदी क्यों हो गया? भाई इन्होंने जो चाट पकोड़े ये सब मेले में खाए, या तो वो बासी थे और या फिर ठीक तरह से रखे नहीं थे। दीदी ठीक तरह से नहीं रखे थे क्या मतलब? हाँ बच्चों देखो, आप लोग तो ये जानते हो ना कि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना? लेकिन हर भोजन हमें लाभ नहीं पहुँचाता बच्चों, भोजन वही हमें लाभ पहुँचाता है जो ताजा और शुद्ध होता है ना? अगर हम बासी खाना खाते हैं तो उससे हमें नुकसान पहुँचता है, इसीलिए भोजन ताजा और खाने योग्य बना रहे इसके लिए हम भोजन का संरक्षण करते हैं। दीदी संरक्षण क्या होता है? हाँ बच्चों देखो, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा और खाने योग्य बनाए रखने की विधि को हम भोजन का संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षण। हाँ, और कभी कभी आपने घर में देखा होगा ना कि अनाज गेहूं चना इसमें देखा आपने कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे से, देखा है ना, उसे घुन कहते हैं। तो ये भोज्य पदार्थ फिर क्या होता है, खराब हो जाता है इस तरह से। मगर दीदी ये भोज्य पदार्थों में ये कीड़े लगते कैसे? हाँ भैया मैं बताती हूँ, देखो जो अनाज होता है या कोई भी सामग्री चना होता है या कोई भी हमारे भोजन की सामग्री होती है, जब उसे लंबे समय तक हम डिब्बू में बंद रखते हैं, उसे धूप नहीं लगती या उसे शुद्ध हवा नहीं मिलती तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। और कभी कभी तो ये कीड़े सब्जियों में भी लग जाते हैं। हाँ बच्चों आपने देखा है गोभी में मटर में हरे हरे से कीड़े होते हैं, देखा आपने? देखा है मेरे पास? भाई देखो बैंगन है एक, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ये देखो ये छेद दिख रहा है बच्चों आपको? जी 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 जी। दिख रहा है ना भाई, ये जो कच्ची सब्जियों को खाने वाला जो कीड़ा होता है वो बैंगन को खाते खाते धीरे धीरे अंदर तक चला जाता है और इससे क्या होता है कि बैंगन में छेद बन जाता है और धीरे धीरे ये पूरा बैंगन खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें कोई भी भोजन की सामग्री होती है, चाहे वो अनाज है या सब्जी है या और कोई भी चीजें हैं मेरे खाने की, उसको हम संरक्षित करते हैं। और भोजन के संरक्षण की कई विधियां होती हैं। यदि वो विधियां कौन कौन सी हैं? हाँ मैं आपको बताती हूँ, वो विधियां कई तरह की होती हैं। भाई देखो भोजन को संरक्षण करने की जो विधियां होती हैं वो है उबालना, सुखाना, ठंडा करना और रसायनों के उपयोग द्वारा। कौन कौन सी विधियां हैं बच्चों? उबालना, हाँ? सुखाना, ठंडा करना और रसायनों का उपयोग। बिल्कुल सही। दीदी पर हम उबाल के चीजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? मैं बताती हूँ बच्चों आपको, देखिए आप सबके घर में दूध आता है ना? जी जी। है आपने सुबह सुबह दूध आता है? जी जी। तो दूध सबसे पहले मम्मी क्या करती है? उबाल। बिल्कुल सही। हाँ, और अगर दूध को नहीं उबालते हैं तो दूध खराब हो जाता है और कभी कभी दूध फट भी जाता है, लेकिन जब दूध मम्मी उबाल देती हैं तो वो संरक्षित हो जाता है और वो लंबे समय तक फिर ताजा बना रहता है और खराब भी नहीं होता। तो इस तरह से हमने देखा कि हम उबाल कर दूध का संरक्षण कर लेते हैं, हाँ? और दूध को खराब होने से बचा लेते हैं। ठीक है, मगर दीदी ये जो पैकेट्स में दूध आते हैं क्या ये उबले हुए होते हैं? नहीं नहीं, जो पैकेट में मैं आपको दिखाती हूँ, भाई देखो मेरे पास ये एक पैकेट में दूध है, ये दूध है ना? जी डेयरी। ये दूध ये डेयरियों में इकट्ठा किया जाता है और डेयरी में इकट्ठा करते हैं, जब दूध को इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद इसको पाश्चुरीकरण की विधि द्वारा हम इसका संरक्षण करते हैं और इस तरह से फिर ये दूध खराब नहीं होता। दीदी ये पाश्चुरीकरण क्या होता है? हाँ मैं आपको बताती हूँ कि पाश्चुरीकरण एक विधि होती है दूध को संरक्षण करने की। भाई बाजार में उपलब्ध जो दूध होता है वो पैकेट में उसको हम जिस विधि से लंबे समय के लिए भंडारित करते हैं या संरक्षित करते हैं उसको हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाश्चुरीकरण। हाँ, आपने देखा कि भोजन को हम संरक्षण करने की जो विधियां हमने बताई, उबालना या पाश्चुरीकरण, इसके अलावा हम भोजन को धूप में सुखाकर भी उसका संरक्षण कर सकते हैं। जी धूप में सुखाकर? हाँ बच्चों बिल्कुल सही। भाई आपने देखा है कि आपकी दादी माँ जो होती हैं वो अचार बनाती हैं ना, बरियां भी बनाती हैं,
है ना, तो उसको बना के वो क्या करती है, धूप में सुखाती है। सुखाती है कि नहीं, देखा है आप लोगों ने। और देखो मेरे पास भाई यहाँ पर कुछ सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है? पापड़। बिल्कुल सही। तो पिछले होली के पापड़ अभी तक रखे हैं? सच में? हाँ, क्यों रखे हैं? क्योंकि उन्हें धूप में सुखाया गया था, इससे वो संरक्षित हो गया है ना, और वो खराब नहीं हुआ। भाई देखिए मेरे पास ये एक अचार है। क्या है ये? अचार। और इसमें आपको सफेद सफेद दिख रहा है? जी जी। ये फफूंद पड़ गई इसमें, पड़ गई ना फफूंद, क्योंकि इसे धूप नहीं दिखाया गया, इसका संरक्षण ठीक तरीके से नहीं हुआ। भाई आपने देखा है आपके यहाँ फ्रिज किसी के घर में है? दीदी मेरे यहाँ है फ्रिज। हाँ, तो जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, तो भाई उन्होंने सब खाना बनाया, कभी कभी क्या होता है दाल या सब्जी बच जाती है ना, थोड़ी बहुत बच जाती है, तो उसको मम्मी फ्रिज में रख देती है, और फिर शाम को जब हम खाने में उसका उपयोग करते हैं तो वो खराब नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो इस तरह से हम ठंडा करके भी भोजन का संरक्षण कर लेते हैं। भोजन थोड़ा होता है और थोड़े समय के लिए उसका संरक्षण करना होता है, तो हम फ्रिज का उपयोग करते हैं। लेकिन बच्चों एक बात बताओ भाई, अगर मान लो खेतों में आलू हो गया है ना, वो ढेर सारा आलू पैदा होता है ना, और उसे लंबे समय तक रखना होता है, एक साल तक रखना पड़ता है, तो उसका संरक्षण तो फ्रिज में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो ऐसे जब ज्यादा पदार्थ हो और वह लंबे समय तक के लिए संरक्षित करना होता है, तो हम शीत गृहों का या कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। कहाँ रखते हैं उन्हें हम? कोल्ड। हाँ बिल्कुल सही। और बच्चों एक और विधि होती है जिसमें हम भोजन का संरक्षण जिस विधि से करते हैं, उसमें हम रसायनों का उपयोग करते हैं। ये क्या है? तो ये भाई बना तो पहले होगा है ना, और जब घर में आता है तो भी ये महीनों तक चल जाता है, कभी कभी एक महीने 15 दिन तक चलता है ना, तो इतने समय तक बना हुआ सामान रखता है और ये खराब भी नहीं होता है। तो इसमें जब बनता है तो कुछ रसायन का उपयोग किया जाता है, और जिससे कि ये खराब नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब रसायन हम किसी खाद्य पदार्थ में डालते हैं, तो वह पदार्थ भी लंबे समय के लिए संरक्षित हो जाता है। तो बच्चों आपको संरक्षण के विषय में सब समझ में आ गया? जी जी। सब समझ में आ गया जी, जी। तो अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछें? जी जी। तो आयुष आप बताओ, संरक्षण के भोजन को संरक्षण की कोई दो विधियां बताइए। दीदी सुखा के। हाँ। और धूप में रख के। बिल्कुल सही। और अब अंशुमान तुम बताओ कोई दो विधियां। दीदी ठंडा करके और रसायनों का उपयोग करके। उपयोग करके, बिल्कुल सही बताया। तो भाई आज हमने आपको भोजन के संरक्षण के विषय में जानकारी दी, और अगली बार हम आपको किसी और विषय पर जानकारी देंगे।